आपके भोजन को या कुछ आम श्रावण को बड़े आतुर हो रहे हैं। हम साफ तौर पर सरकार से कहना चाहते हैं कि चाहे पुरानी पेंशन व्यवस्था का सवाल हो, चाहे न्यूनतम 26,000 रुपए वेतन दिया जाना हो, चाहे मेडिकल रिइंबर्समेंट के शासनादेश को बहाल किया जाना हो, इन मांगों को सरकार को चुनाव से पहले पूरा करने का काम करना होगा, वरना देश का कर्मचारी, प्रदेश का कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और 8-9 जनवरी को पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश का 16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार है।